से निकलकर दारुल इफ्ता से निकलकर फिर कौम का दर्द बयान कौन करेगा। हम
अपनी कौम के दर्द के लिए हम आपके सामने आए हैं, और ये मेरी कौम यकीनन आज इस मुल्क में जीना है तो सुनो, तुम्हें बहुत कुछ करना है। आईएएस आईपीएस बनाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, अपने एजुकेशन के इदारों को मजबूत करना है, अपने इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज बनाना है, सब कुछ करना है, लेकिन उससे भी बढ़कर तुम्हें अपने अंदर से लीडर पैदा करना पड़ेगा, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना पड़ेगा, है ना। अगर तुमने अपने लीडरशिप अपनी क़यादत को मजबूत नहीं किया तो फिर याद रखो सियासत में जो हमारे अलग अलग बिखरे हुए तारे हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की। यकीनन हमारे शहर में भी बड़ी काबिल शख्सियतें हैं, उनकी काबिलियत और उनके यकीनन दूरंदेशी और उनकी ताकत से हमको फायदा उठाने की जरूरत है ना, हमें जरूरत है। अगर जमाती लेवल पे अगर हमारे दरमियान कुछ है तो यकीनन इन चीजों को खत्म करके हमारी कौम को भी मुत्तहिद करना है, लीडरशिप को भी मुत्तहिद करना है, वरना सही डॉक्टर इकबाल ने कहा, एक हो जाए तो बन सकते हैं हम खुर्शीद वो भी, वरना इन तारों से क्या बात बने। साहब का इस्तकबाल मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर मुसलमान हमेशा से किसी पार्टी को वोट देते रहे तो वो कांग्रेस है। बात सही है भाई, मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि मैंने जब जब वोट डाला है ईमानदारी के साथ कांग्रेस को वोट डाला है। बड़ा समझने की बात यह है कि इन 70 सालों में मुसलमानों के SC ST के जो मसाइल हल होने चाहिए वो सही मानों में हल नहीं हो सके। आज हमारे सामने ये मौका है कि हमें ये मौका दिया जा रहा है, लेकिन एक बात कड़वी ज़रूर है, मगर हमें हमारी कौम के नौजवानों से हमें यह सुनना पड़ता है, जब जब इलेक्शन आता है हमें बुलाया जाता है और जब इलेक्शन चला जाता है फिर हमें भूल जाते हैं, हमारे मसाइल को भूल जाते हैं, हमारी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं। अब हम सियासी पार्टियों से, ख़ास तौर से कांग्रेस से, हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क को बचाने के लिए और इस मुल्क की हिफाजत के लिए और इस पार्टी की हिफाजत के लिए कुछ करना हो तो मुसलमानों के बारे में, दलितों के बारे में, माइनॉरिटीज़ के बारे में संजीदगी के साथ समझना हो। इस वक्त सबसे पहला मसला मुसलमानों का ये है, एजुकेशन का 70 साल में अभी भी बाकी है। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आकर तकरीबन 10 साल के ऊपर हो चुकी, कांग्रेस के जैसे फैसले होने चाहिए थे, कौम के सामने वो पॉलिसी जाहिर नहीं। एजुकेशन में मुसलमानों का जो ड्रॉपआउट्स बढ़ता चला जा रहा है, इलिटरेट मुसलमानों के बच्चे बढ़ते चले जा रहे, मगर हमारी खुशनसीबी ये है जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, मगर हम ये नहीं देख रहे कि कितने बच्चे 10th जाने से पहले पहले ड्रॉपआउट्स हो रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी नेशनल पार्टी, बल्कि महानेशनल पार्टी, उसके लिए माइनॉरिटीज के लिए क्या पॉलिसीज बनाई। दूसरा मसला मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज का है, जिसका नाजायज इस्तेमाल 70 साल से हो रहा है। जो लोग वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आम तौर पर चोर किस्म के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी, मुसलमानों के गरीबों, बेवाओं, मजबूरों और हालात के मारे हुओं के लिए है। मुसलमानों के सामने वक्फ बोर्ड की पॉलिसी जाहिर होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादियाँ हैं या SC ST की आबादियाँ हैं, आज भी वहाँ सही स्कूल्स नहीं है, छोटी छोटी गवर्नमेंट्स की क्लिनिक्स नहीं है, वहाँ आधार कार्ड, गवर्नमेंट के कार्ड बनने की ऑफिसर्स नहीं है, जिसकी वजह से मुसलमानों के और दलितों के मसाइल अभी भी बाकी। चौथा मसला ये है कि अब इन हालात में सोशल सिक्योरिटी का मसला सामने आया। एक हमारी औरत बुर्का पहन के बाजार से गुजरती है, उसके लिए मसला आया है।
एक मुसलमान अपनी दाढ़ी के साथ बाजार से गुजर रहा है तो उसके लिए मसला है, एक मुसलमान अपने आइडेंटिटी के साथ बाजार से गुजरना चाहता है उसकी सिक्योरिटी का मसला आया। क्या बात है, मुल्क को हमने आजाद किया और अपने खून पसीना बहाया और मुल्क की आजादी के बाद 70 साल से हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। 70 साल किया के बाद भी अब हमारे हमारे लिबास पर, हमारे हिजाब पर, हमारी नमाजों पर, हमारी अजानों पर, हमारी कुर्बानियों पर ये कब तक मसले उठते रहेंगे? ये हमारा सबसे बड़ा मसला है, हम आपके सामने ये रखना चाह रहे। और आखिरी बात ये कि हमारी ये सारे अहबाब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिंदा कौम की अलामत यह है कि वो अपने मसले पैदा करती है और मसले पेश करती है और कायद बनाती है, पार्टी तैयार करती है। कर्नाटका में लिंगायत समाज से आप सबक हासिल कीजिए। इलेक्शन आने से पहले वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने मसाइल को तय करते हैं, जाकर पार्टी से मिलते हैं, ये मसले हल होंगे तो हम वोट देंगे वरना हम वोट नहीं देंगे। ये पॉलिसी हम सब मुसलमानों को मिलकर बनाना, और अगर हम ये नहीं बनाएंगे हमारे साथ पॉलिटिकल पार्टीज हमें यूज करती रहेंगी, हमारा गलत इस्तेमाल होता रहेगा, 70 नहीं और 100 साल गुजर जाएंगे, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हम सब को मिलकर उलमा हजरात को, मुसलमानों के थिंकर्स को, एजुकेशनिस्ट को, सबको मिलकर के एक हमें भी पॉलिसी बनाकर बड़ी बड़ी पार्टीज के सामने बात करना पड़ेगा, अपने मसाइल को रखना पड़ेगा, फिर इंशाअल्लाह हम 2023 में पूरी दिलजमी के साथ, ईमानदारी के साथ वोट देंगे इंशाअल्लाह। इन मसाइल को आप हजरात के सामने इस जज्बे से रखा गया है, आप इन मसाइल को हाई कमान के पास रखेंगे, संजीदगी से गौर करेंगे और हल करेंगे। बीसीएफ जमीर अहमद खान साहब ने जो हमें वक्त दिया है, इसका मैं सबसे पहले तमाम हजरात के तरफ से और शहर रहे बेलगाम के मुस्लिम माइनॉरिटीज के तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही साथ आप हजरात ने अपना बहुत सा वक्त दिया, इसमें जितना कहना है इससे पहले मेरे दोस्त और मेरे खास हमदर्द मौलाना मंजूर नोमानी साहब ने, मंजूर साहब ने भी बहुत अच्छा बात किया, मंजूर साहब मौलाना मंजूर, उसके बाद में मौलाना सलीम अहमद साहब भी नदवी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने भी अपने ख्याल पेश किए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी ख्याल पेश करूं, चाहे मैं अगर बात करूं तो इनसे भी ज्यादा करूं, आखिर में मेरे ऊपर एक ही धब्बा आएगा, एक अंग्रेजी, क्योंकि आप लोग देखे हैं तकरीबन 50 साल हो गए कांग्रेस में, ना कभी इधर झाके ना कभी उधर झाके। बहुत से लोग आए उस टाइम में, माफ करना कि उस टाइम में हमारे जो भाई हैं जमीर अहमद साहब भी दल में ही थे, जनता दल में, सिद्धरामैया साहब भी वो थे, उस टाइम में भी हमारे को कई ऑफर्स आए, लेकिन हमें कभी मोड़ के नहीं देखा, क्योंकि कांग्रेस आज तक वफादारी करते आई है, जिस तरह से मौलाना सलीम साहब ने बताया आज भी हम वफादार हैं, लेकिन हमारे मसाइल कौन हल कर? जब जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है तो हमें इस्तेमाल करते हैं, जब जरूरत हो जाती है, पानी का बादल खाली होने के बाद इसका ठिकाना कहाँ है आप लोगों को सब मालूम है, यही हाल हमारा है। दोस्तों इस वक्त में बहुत सोच समझ के, हर बात पे हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। हमारे नाम से जिस तरह से बताएं, वक्त पड़ने पे हमारे नामुनियाद लीडर आ जाते हैं, मैं फला हूँ, तू फला है, लेकिन हमारा काम होने के बाद में कोई नहीं। हमने बहुत से लोगों को आजमा रहे हैं और आजमाए भी, लेकिन अब आजमाने का वक्त नहीं है, बहुत सा वक्त गुजर गया। इस वक्त में हमें अशद्द जरूरत है कि हम किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाएं, जिस तरह से मौलाना ने बताया कि हम तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, जैसा कि आज हर लिंगात फील आती है, आज कह रहे हैं वक्कल गर्थम, हमारे सारे उसमें से बोल रहे हैं कि किसी तरह से हो वक्कल गर्थम, हमें समाज में चाहते हैं कि हमारे लीडर डी के शिवकुमारी होना चाहिए, सीएम भी होना चाहिए, हमें उससे इनकार नहीं है साहब। जो हुकूमत करेगी, जो AIC वाले वहां पे बैठे हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका हैं, जिनको आज तक उनके खानदान के, आज तक उन्हीं के हम गीत गाते रहे, वो जो फैसला करेंगे उस पे हम अल्हम्दुलिल्लाह उस पे तय है। और इस पे से फिर बोलते हैं दूसरे तरफ से आते हैं जो उसमें से फिर बोलते हैं सिद्धरामैया जी का नाम, फिर यहाँ पे बेलगाम के वाले हम क्यों खामोश बैठे भाई, जब बेलगाम का नाम आता है तो हम बोलते हैं सतीश अन्ना ही क्यों ना सीएम ना हो जाए,
सारे लोग खुशी के मारे हैं। अब इसी तरह से मैं क्यों ना कहूं, चाहे कोई बोले या ना, आज तक मुसलमानों को कोई ओहदा ऐसा दिया ही नहीं, तो इसलिए मैं क्यों ना बोलूं कि हमारे सीएम डीसी जमीर अहमद खान साहब हमारा हक है, पूछ सकते हैं, हर एक को हक है। अखबार वाले अभी आए थे, मीडिया वाले सारे बैठ के पूछे, भाई क्या है, हमारे से किसी से भी कोई लेन देन नहीं है, हमारे काम हमें कर दो। हमारा दर्द जो दोनों उलमा ने आज हमारे सामने सीधे और बाएं तरफ जो बैठे उन्होंने बता दिया, हमारी कहां का एक एक मसला, कभी हिजाब का मसला आता है, शुरू यहां से हुआ। अरे तुम यहां से कहते हैं, उस रोज से शुरू हुआ जिस टाइम में नोटबंदी हुई, वहां से ही सारे हिंदुस्तान को पनौती मिल गई। वो 14 ईस्वी क्या थी, 2014, आज तक वही सारे साथी लगी हुई है। दुआ कीजिए 2023 हमारे लिए ऐसा परचम लहराए कि सारे मुसलमानों के लिए, सारे मुल्क के लिए, चाहे वो हर समाज का हो, हमारा देश अमन व अमान के साथ रहे, यही हम चाहते हैं, बाकी और हमारा कोई मकसद नहीं है। जिसे पूरी दुनिया अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से जानती है। अभी हजरत मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब ने बिल्कुल दिल खोल करके जो असल मकसद के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं उसको सामने रखा, और फिर हजरत मौलाना सलीम साहब की दामत बरकात हमने भी बिल्कुल दिल खोल करके मुसलमानों का किरदार और मुसलमानों की कुर्बानियों को सामने रखा। मैं एक बात बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी आशिक रसूल ये ना कहे कि मैं आशिक रसूल हूँ, कोई भी आशिक रसूल ये ना कहे कि मैं आशिक रसूल हूँ, बल्कि उस आशिक रसूल का किरदार, कैरेक्टर और उसका चेहरा, मोहरा, चलने और जीने का अंदाज बताए कि ये आशिक रसूल है। मैं आपको तमाम बातों का खुलासा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के चार मिसरे में बताता हूँ और फिर अपनी जगह लेता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, और वो शेर आज के इस मौका महल के और इस मजलिस के एतबार से बिल्कुल मुनासिब और फिट है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। और आगे अल्लामा ने जो कहा है कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, और वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वो सारे शीशे मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाले, अपने जेब से कौम और मिल्लत की खिदमत और उनकी जरूरतों को, मसाइल को हल करने वाले ऐसे बड़े बड़े कायदीन और बड़े बड़े रहनुमा और लीडर हमारे दरमियान हैं, जो शीशे की तरह नरम है लेकिन उनकी कुर्बानियां और उनके किरदार और उनके जो भी खिदमत है वो सब हमारे सामने है। आगे शायर कहता है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वो सारे शीशे यहाँ बैठे। आगे आखिरी मिसरा सुनिए, उस पर अगर आपको समझ में आए तो आप दुआओं से नवाजेंगे। मुल्क तेरा लूट रहा है चोरों के हाथ से, मुल्क तेरा लूट रहा है चोरों के हाथ से, हुकूक जो तुझे दिलाए वो रहबर तलाश कर। वो रहबर आज हमारे सामने है, इसलिए दोस्तों हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान कांग्रेसी है, बल्कि जो मौजूदा हुकूमत है तो वो इस बात की तो फातिहा पढ़ रही है कि मुसलमान कांग्रेसी है, मुसलमान कांग्रेसी है। 70 साल से मुसलमानों ने कांग्रेस को जिताया और याद दिलाया, और यहाँ तक जो है कांग्रेस को पहुंचाने वाली कौम, अगर वफादार कोई है तो वो मुस्लिम कौम है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है हम मुसलमान है, हमारी कारकर्दगी, हमारी कुर्बानी और हमारी वफादारी ये बताती है कि मुसलमान हमेशा कांग्रेसी था और कांग्रेस है, और इस तरह से हमारे पास अगर लीडर और रहनुमा रहेंगे तो हम आइंदा भी कांग्रेसी ही हैं। वमा अलैना इल्ला अल वला। ऐसे बड़े दिलदार आदमी हमने शायद पहले कभी नहीं देखा है। हाँ, हम भी करते हैं, मगर वो भी मेरा बस आपका काम करने का तरीका अलग है।
मगर ये ज्यादा हुआ है अभी 8 साल में, ये 8 साल अच्छे दिन में ज्यादा हो रहा है भारत देश में। तो थोड़ा संभाल के बच के भी रहना चाहिए। जी मेरा कहा है ऐसे सबका ऐसे नहीं रहता है, ये साइकिल जैसा घूमता रहता है, चक्कर रहता है। अभी चक्कर देखेंगे 2 साल रहता है और कुछ रहता है देख लेंगे, उसके बाद फिर अच्छे दिन जरूर आएंगे, अच्छे दिन तो जरूर आएंगे। तो इसके लिए बेंगलुरु से आए उन्होंने आपको विनती करने के लिए, इंदिरा महल जी की बर्थडे फंक्शन पे आप ज़्यादा लोग हिस्सा लिए, और खास करके आने वाले 9 महीने के बाद चुनाव जो आ रहा है कर्नाटक असेंबली, उसमें आप सब जुड़े रहना है, साथ में रहना है। आपका ताकत कांग्रेस का ताकत है, इसके लिए आप लोग बहुत कम समय में इतना लोग आए हुए हैं, सपोर्ट किया है आप लोगों ने, आपको मेरे तरफ से भी आपको बधाई देता हूँ। और इसके बाद और जब मेरा मसाब बेलगाम में आइए, अलग अलग तालुकों में फंक्शन करेंगे, पूरा एक नेता की जरूरत है हमको, हर एक तालुक में एक सभा बनाएंगे, अल्पसंख्यक को एक जुट में रखना है। और उनका समस्या भी बहुत है, उनका समस्या भी तालुक वाइज हल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। नम्मा शासक राधा मातेश कोजली और मंदिर पर मिला पुलवा के आपने स्वागत बहस्ता देवे। सो और अल्पसंख्यातर नानू कूड़ा मुख्यमंत्री दावेदार अंतर तपेन याकंद्रे ननकू भाला मंदिर केतर अभिनय अंत अभी हमारा दिल्ली बहुत दूर है, अभी हमारा सीएम कुर्सी का दावेदार नहीं, हमारा दिल्ली बहुत दूर है। हम सिर्फ चाहते हैं हमको समानता चाहिए, वो हमारी लड़ाई है, कुर्सी का लड़ाई नहीं हमारा, मुख्यमंत्री बनना मंत्री बनना हमारा लड़ाई नहीं है, इसके लिए हम राजनीति नहीं आए, हमारे लोगों को समानता चाहिए, वो समाज में चाहिए, राजनीतिक में चाहिए, हर जगह में शिक्षण में चाहिए, समानता हमारा लड़ाई है, कुर्सी का लड़ाई नहीं हमारा। इसके लिए 3 तारीख के बाद हर पूरा उनका एक दौरा होना चाहिए, पूरा स्टेट में जहाँ जहाँ समस्या है उसका हल करना चाहिए, क्योंकि चुनाव में जाने के बाद तो नहीं होता है, उसके पहले हमको दूर करना पड़ेगा। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत समस्या है, इधर हल करने के लिए नेता की जरूरत है, नेता तो हमारा छोटा बहुत छोटा छोटा है, अभी उसको बड़ा करने का टाइम आ गए, बड़ा करेंगे उसको, अभी तो दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे, चौथे लेवल पे बढ़ रहा है, उसको हमको दूसरी आय पहले नंबर पे लाने के लिए हम जब मेरे मसाब हम तमाम कितना लीडर का मौजूद है सभी हम कोशिश जरूर करेंगे। सो आप 3 तारीख को सिद्धरामैया के बर्थडे सबको सक्सेस करना है, सबके जिम्मेदारी, सबका नमस्कार, धन्यवाद।